जिला बिलासपुर के गंबरपुर क्षेत्र में एक स्थानीय लोगों के द्वारा चोर को पकड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये चोर सीमेंट से भरा हुआ ट्रक चुरा कर ले गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया। ये ड्राइवर, ये चोर कोठीपुरा का है और नशेड़ी है, जो कि स्वयं बता रहा है कि उसने शराब पी, फिर भांग पी और उसके बाद चिट्टा खाया। उसने कहा कि उसे कोई होश नहीं था, लेकिन इतने बड़े ट्रक की चोरी करके ले जाना, इससे पता चलता है कि ये नशेड़ी युवक जो चिट्टे का कारोबार बिलासपुर में फैल रहा है, उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और अपने नशे के लिए ये चोरियां करते हैं, फिर चाहे वो ट्रक हो या दुकानों में चोरी हो। चमकी बुखार से बच्चों की मौत के बाद लीची को लेकर उड़ी अफवाह के चलते अब जिला कांगड़ा के बागवानों ने इसे तोड़ना रोक दिया है। मंडियों में डिमांड कम होने और उचित दाम ना मिलने के कारण ये कदम उठाए गए हैं। अब बागवान मामला थमने का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही इंतजार कर रहे हैं कि अब बाहरी राज्यों से लीची की मांग बढ़े तो उनके उत्पाद को सही दाम मिल सके। वहीं चमकी बुखार के साथ लीची को जोड़े जाने के कारण लीची के किसान भी आंसू बहा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी जिला कांगड़ा व उसके आसपास के क्षेत्रों में लीची की फसल भरपूर हुई थी। किसानों में खुशी की लहर थी, पर किसानों को ये नहीं पता था कि खुशी कब गम में बदल जाएगी। हाल ही में बिहार में हुई चमकी नामक बुखार में से कई लोगों की जान जा चुकी है। वजह लीची बताई जा रही थी। लीची खाने से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। एक समय था जब लीची 100 रुपए किलो बिकती थी, पर जैसे ही बिहार की खबर लोगों तक पहुंचना शुरू हुई, लीची के दाम कम होने के साथ साथ अब लीची खरीदने वाले लोगों की संख्या भी कम हो गई। अब आलम यह है कि लीची मंडी में 20 से 30 रुपए किलो बिक रही है। लीची के बाग के किसान अमित पठानिया के अनुसार दहशत की वजह से लीची का बाग इस बार नहीं बिक पाया। बिहार में जो चमकी बुखार है, उसकी वजह से लीची का दाम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। बगीचे को खरीदना तो दूर की बात है, लोग अब लीची का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मंडी में लीची को लेकर जाते हैं तो लीची लेने कोई नहीं आता है। अगर लीची कोई लेता है तो उसके दाम कम देना चाहता है। सब्जी मंडी के खरीदार विकास ने बताया कि बुखार की वजह से लीची में कीड़ा बताया गया है, जिसका कारण लोग लीची खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस लीची का दाम 70 से 80 रुपए हुआ करता था, अब वो मात्र 20 से 25 रुपए है। आज इतना कारोबार होने के बावजूद भी व्यापारी और लोग लीची खरीदने के इच्छुक नहीं है और लीची की डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता का कहना है कि चमकी बुखार से संबंधित एक भी मामला सामने नहीं आया है, फिर भी विभाग पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि बच्चों को लीची खिलाने से कोई चमकी बुखार नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर कुपोषित बच्चा भरपूर डाइट की जगह पर लीची खाए तो ऐसे में लीची की चमकी बुखार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मंडी जिला भाजपा महामंत्री पंकज जम्बाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 6 जुलाई से राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी और सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर मंडी जिला भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा सदस्यता अभियान के प्रमुख राम सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए 30 जून तक मंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा, ताकि बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान को सफल बनाया जा सके। पंकज जम्बाल ने कहा कि ये सदस्यता अभियान 6 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी श्रीदेव महुनाग चुनाहन का मेला बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मेले में क्षेत्र के 15 देवी देवता शिरकत कर मेले की शोभा बढ़ाएंगे। इस 2 दिवसीय मेले में
नाचन के विधायक विनोद कुमार बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ये निर्णय श्री देव महुनाग मंदिर कमेटी चुनाहन की साधारण सभा की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मंदिर कमेटी के प्रधान रमेश यादव ने की। बैठक की जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी प्रधान रमेश यादव ने बताया कि श्री देव महुनाग के इस दो दिवसीय मेले के दौरान 1 जुलाई को विशाल जागरण का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ जिला परिषद सदस्य जगदीश नायक दीप प्रज्वलित करके करेंगे। रमेश यादव ने बताया कि मेले के दौरान खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय जनता से इस मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की है। बैठक में मंदिर कमेटी के महासचिव मस्तराम, मुख्य सलाहकार लाल सिंह यादव, सलाहकार रोशन लाल कौशल, मंदिर पुजारी सोहन सिंह, व्यापार मंडल चुनाव के अध्यक्ष बालक राम गोस्वामी व तेजेंद्र गोस्वामी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। कृपा बनी रहती है। और जो हमारा ये जो देव महुनाग है, ये जो कोई भी सुख शांति के लिए जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना सुनते हैं और क्षेत्र में जो है शांति बनी रहती है।